How much water must be added to 100 ml of 80% solution of boric acid to reduce it to a 50% solution? देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें बोला है पहले हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या है, 100 ml का है और उसमें बोरिक एसिड कितना है, 80%। ये सॉल्यूशन कितना है, बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, ये है बोरिक एसिड का सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें बोरिक एसिड कितना है, 80% तो है बोरिक एसिड, तो जो बच गया वो क्या हो गया, वाटर हो गया। वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 20%, ठीक है। अब कह रहा है इसमें कितना पानी ऐड करें, इसमें कितना पानी ऐड करें। देखो अब इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। मान लो हमने वाटर ऐड करा, कितने एम एल, एक्स एम एल वाटर ऐड कर दिया हमने। हमने क्या करा, एक्स एम एल वाटर ऐड करा। जब एक्स एम एल वाटर ऐड करा, ठीक है, तो बोरिक एसिड कितना रहेगा, बोरिक एसिड रहेगा 50%। अब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर बोरिक एसिड कितना हो गया, बोरिक एसिड हो गया अब 50%, तो जाहिर सी बात है पानी भी 50% हो गया। पानी बढ़ गया ना, पहले पानी 20 था, अब पानी ऐड करा तो पानी हो गया 50%। क्वेश्चन ये है कि बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसमें बोरिक एसिड था 80% और वाटर था 20%। अब हमने इसमें पानी ऐड करा, जब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, ठीक है, जब हमने इसमें पानी ऐड करा तो पानी ऐड करने से पानी की परसेंटेज बढ़ के होगी 50%। हमें बताना है हमने कितना पानी ऐड करा, ठीक है। हमने यहाँ पर ऐड क्या करा है, वी हैव एडेड वाटर हेयर, वी हैव एडेड वाटर हेयर, हमने यहाँ पर पानी ऐड करा है, ठीक है ना, हमने यहाँ पर पानी ऐड करा है। जब हमने पानी ऐड करा है, मैंने आपको क्या बताया, ऑलवेज फोकस ऑन दैट थिंग हुज क्वान्टिटी हैज़ नॉट चेंज, ठीक है, जिसकी क्वान्टिटी नहीं बदली, डोंट फोकस ऑन दैट थिंग विच हैज़ बीन एडेड और रिमूव्ड। हमने यहाँ पर क्या ऐड करा है, पानी ऐड करा है, तो हम पानी पर कॉन्सनट्रेट नहीं करेंगे, हम कॉन्सनट्रेट किस पर करेंगे, हम कॉन्सनट्रेट करेंगे बोरिक एसिड पर। क्यों, क्योंकि बोरिक एसिड जितना था पहले उतना ही अभी भी है। अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड इनिशियली इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड फाइनली, जितना बोरिक एसिड पहले था उतना ही बोरिक एसिड बाद में भी है। तो बोरिक एसिड निकलेगा कैसे, बोरिक एसिड निकलेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इनटू परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड, ये पहले था बाद में भी यही रहेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इनटू परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है ना, इनटू परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड। यहाँ पर हमने क्या करा है, एक्स एम एल पानी ऐड करा था, ठीक है ना, एक्स मिलीलीटर वाटर ऐड करा था। अब देखते हैं हम, देखो बोरिक एसिड पहले पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी थी, पहले पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी 100 ml, हमें क्वेश्चन में दिया ना ये कितना था, ये 100 ml था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना था, 100 ml। इसमें बोरिक एसिड कितना था, परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड वॉज, बोरिक एसिड था 80%, क्लियर है ना, बोरिक एसिड कितना था 80%। अब बाद में क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सर ये कितना हो जाएगा, 100 तो पहले ही था, इसमें ऐड कितना कर दिया, ये वाला x, तो ये हो गया 100 प्लस x। अब इसमें बोरिक एसिड कितना है, ये है 50%, बोरिक एसिड अब कितना है 50%, तो इनटू 50%। मैंने आपको क्या बताया, जब दो जगह परसेंटेज का साइन हो तो हटा दो, आपने लिखा 100 इंटू 80 इज इक्वल टू 100 प्लस x इंटू 50, ठीक है, ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गई, 5 से 100 कटेगा तो क्या आएगा 20, ये कितना आ गया 20 इंटू 8, 160 इज इक्वल टू 100 प्लस x, ये x कितना आ गया, x आ गया 60 ml। तो हमने कितना पानी ऐड करा, 60